चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं निर्वाचन विभाग भी समावेशी और निष्पक्ष चुनाव के लिए बिना किसी रुकावट के साथ काम कर रहा है। इसी बीच वोटिंग से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें निर्वाचन विभाग होम वोटिंग की पहल कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के नवाचार के तहत राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। इस दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें, झुंझुनू जिला प्रशासन के चुनाव अभियान से जुड़े कर्मचारी लगातार ऐसे मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता दें, झुंझुनू ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता है। जिले में 1524 ऐसे मतदाता है जो 100 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के हैं, और इन्हीं 1524 मतदाताओं में से 1386 मतदाता महिलाएं हैं। हाल ही में ऐसा ही एक ताजा मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां मंडावा विधानसभा के कमलासर गांव में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 95 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता से वोटिंग के बारे में पूछा, तो जवाब में बुजुर्ग मतदाता ने कहा कि पोलिंग बूथ पर जाकर मैं खुद वोट डालूंगा। ऐसा जज्बा देखकर कलेक्टर ने कहा कि इस बार जिले में पिछली बार से ज्यादा सर्वाधिक मतदान होगा। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बुजुर्ग खुद कह रहे हैं कि मैं पोलिंग बूथ पर जाकर खुद वोट डालूंगा। तेरी उम्र कितनी है? 94 साल है? 94-95 हो गया। 15। अच्छा, ये बता, वोट देने स्कूल में जाएगा या घरा भेजा था ने पार्टी ने? स्कूल में जाएगा। वाह भाई, ताली बजाओगे। जैसा कि आपको मालूम है, 80 साल से ज़्यादा के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी बार एक सुविधा दी है कि अगर वो मतदान केंद्र पर आने में सक्षम नहीं है तो उनको हम घर पर वोटिंग की सुविधा देंगे। इस संबंध में मुझे खुशी है कि 100 साल से ज़्यादा के मतदाता भी झुंझुनू जिले में काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा कि उन लोगों से प्रशासन मिले और उन लोगों के माध्यम से अन्य लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि सर्वाधिक मतदान करें। वो मतदान जैसे लोकतंत्र की यज्ञ में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते आज तक आए हैं, इसी तरह सब मतदान करें। बता दें, इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से ज्यादा उम्र और 40% से ज्यादा विकलांग मतदाता के लिए होम वोटिंग सर्विस शुरू की है। इस दौरान ये मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग घर से ही अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकेंगे और ये मतदान पूर्ण रूप से सुरक्षित और गुप्त होगा। मतदान करते हुए दिव्यांग समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी की ओर से घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसके तहत मतदाता घर बैठे वोट डाल सकेंगे। अब आप सोचिए, जब इस उम्र में वो 95 साल के बुजुर्ग खुद चलकर मतदान करने की बात कह रहे हैं, खुद चलकर मतदान करने जा सकते हैं, तो हम लोग जो मतदान करने के लिए सक्षम है, हमें भी निश्चित रूप से मतदान करने जाना चाहिए। द नगरी मीडिया सभी से अपील करती है कि सब लोग चुनाव में जाकर जरूर मतदान करने जाएं। नमस्कार।